अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है वर्षा और मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ ढेर सारे ऑर्गेनाइजर, जीरो कॉस्ट आइडियाज और होम डेकोर आइडियाज, काफी सारे ऐसे वीडियो जो आपके घर से ही रिलेटेड होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एकदम जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर शेयर कर रही हूँ, जो आप अपने किचन के वेस्ट चीजों से या फिर घर के वेस्ट चीजों से किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से हैं, इजी से हैं, बट काफी ज्यादा काम के हैं। जो आप महंगे महंगी चीजें मार्केट से लेते हैं और पैसे खर्च करते हैं, उन्हीं को हम रीयूज करके घर पर भी बना सकते हैं। तो क्यों ना पैसे बचाएं और अपने किचन को सजाएं या ऑर्गेनाइज करें। तो कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर ही ढेर सारे लाइफ अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। चलो फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं धीरे धीरे करके। हम उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और बट धीरे धीरे करके कलेक्ट हो जाती हैं, तो उन्हें हमें कुछ ना कुछ रीयूज़ तो करना ही पड़ता है। जैसे कि ये ग्रॉसरी बैग्स मेरे पास बहुत सारे आ गए थे, और ऐसे ही हर किसी के पास आते होंगे जब हम ग्रॉसरी ख़रीदने जाते हैं तो इस तरह के बैग्स मिल जाते हैं। इनको कैसे रीयूज़ किया जाए, बहुत सारे आइडियाज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो में भी आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो हमने इसके काट लिए हैं दोनों, जो भी इसको पकड़ने वाले हैंडल होते हैं उनको काट दिया है, और इसको इक्वल पार्ट में फोल्ड कर दिया है। सो इस तरह से इक्वल पार्ट में फोल्ड होने के बाद इसको आप काट देंगे, दोनों ही साइड से हमने इसको काट दिया है। सो काटने के बाद हमें दो इक्वल साइज के बैग्स मिल गए हैं, जिनको अब हम करेंगे स्टिच। तो इसको उल्टा कर लेंगे सबसे पहले तो, और क्योंकि एक साइड से दो साइड से तो ये ऑलरेडी सिला हुआ है, और दो साइड हैं जो उनको हमें सिलना है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट लिया है, सो उसको इस तरह से हम एक फोल्ड में सिलेंगे। इसके अंदर हमें धागा डालना है, तो उसी साइज़ का आप यहाँ पर स्पेस छोड़िए जिस साइज़ का आपके पास धागा या कोई भी रस्सी वगैरह है। तो मैं इसको अच्छे से सिल दूँगी चारों ही तरफ से, सो डैट जितने भी धागे वगैरह इसके निकल रहे हैं हम वो ना निकलें और बिल्कुल इक्वल हो जाए। सो एक साइड से सिल दिया है, एंड दूसरी साइड जो है उसको भी हम इसी तरह से सिल देंगे। चारों तरफ से सिल जाने के बाद इसको सीधा करेंगे और हमारा एक बैग कंप्लीट है। तो इस तरह से हमने चार बैग काट दिए हैं, यानी दो बैग को रीयूज़ किया है और दो बैग से मेरे चार बैग बन गए हैं। इसके अंदर जो हमने धागा डालने के लिए स्पेस छोड़ा था उसमें सिलाई नहीं डालेंगे, ताकि हम इसमें अच्छे से कोई भी डोरी वगैरह डाल सकें। तो यहाँ पर हम कॉटन रोप ही यूज़ कर रहे हैं, कोई और मेरे पास नहीं थी। तो एक पिन की हेल्प से इसको हमने इंसर्ट कर दिया है, और बस ये हमारा एक बैग तैयार है। तो इस तरह से हम चारों बैग बनाएंगे। सो हमने ये चार बैग बना लिए हैं, बहुत अच्छे बन गए हैं। इनको हम यूज़ करेंगे फ्रिज ऑर्गेनाइज़र, एज अ फ्रिज ऑर्गेनाइज़र। आपने देखा होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन कई मिल जाते हैं हमें इस तरह के बैग्स, जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, बट हम इनको ईज़िली यूज़ करके बना सकते हैं अपने ग्रॉसरी बैग्स के साथ। सेम वही पैटर्न होता है, सेम वही इसका जो फैब्रिक है वो होता है, और इसमें हमारी वेजिटेबल फ्रूट्स सारे ही बहुत अच्छे से सेफ रहते हैं। सो जो भी आपको वेजिस रखनी है, हमारे ये मैस बैग्स तैयार हैं। आराम से हम इनमें अपनी वेजिस को स्टोर करके फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छा आइडिया है, एकदम जीरो ऑफ कॉस्ट। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
एंड सेकेंड आइडिया में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस तरह की एक टॉवल ऑर्गेनाइज़र, जिसके पास कोई भी इस तरह की हैंड टॉवल नहीं है, उनको ये वाला आइडिया काफ़ी पसंद आएगा। और है भी तो भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने अपनी किचन से ही एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है, अगर वो नहीं है तो आप कोई भी पुरानी ओल्ड टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप सिंपल टॉवल के साइज़ का काट लीजिए, जो जितनी हैंड टॉवल होती है। उसके बाद हमने दो फैब्रिक लिए हैं जिनको उल्टा करके अच्छे से स्टिच कर दिया है चारों तरफ से ही, तो इस तरह का एक पॉकेट बन जाएगा इसमें। और एक साइड से मैंने इसको नहीं सिला है जिससे मैं इसको सीधा कर सकूं। तो इसको सीधा करने के बाद इसके साथ हम अटैच करेंगे ये वाली अपनी हैंड टॉवल। अगेन अगर टॉवल ये वाली हैंड टॉवल नहीं है आपके पास तो कोई भी पुरानी ओल्ड टॉवल का या किसी भी क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इसके अंदर डालेंगे और जो हमने एडजस्ट यहाँ पर नहीं सिले थे उनको मैंने सिल दिया है, और इसके अंदर जो मैंने टॉवल डाला है उसको भी इसी के साथ अटैच करेंगे, यानी मशीन से सिल देंगे। अगर मशीन नहीं है तो आप इसको हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आराम से हो जाता है। सो, अगर आपको स्टिचिंग करनी भी नहीं आती है तो ये बहुत इजी से आइडियाज़ हैं। मुझे भी स्टिचिंग करनी नहीं आती है, बट ये वाले आइडिया मैं अपने आप ही ट्राई करती रहती हूँ और चीज़ें अपनी कुछ ना कुछ DIY करती रहती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। आराम से हम घर पे आराम से बना सकते हैं बिना किसी सिलाई सीखे या कोई भी स्टिचिंग सीखे। उसके बाद हमने ये लिए हैं कुछ टिक टैक बटन जो एक दूसरे में फंस के आ जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं पता नहीं, बट एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो इसको हम जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट निकाला है ना उसके चारों तरफ लगा देंगे। चार बटन मैंने लिए हैं सुई धागा की हेल्प से, ये अच्छे से अटैच हो जाएंगे। सो, ये वाला भी DIY बन गया है। ये मुझे 10-15 मिनट लगे होंगे, आराम से ये बन जाते हैं। और इसको हम यूज़ करेंगे अपनी किचन में एज हैंड क्लीन करने के लिए, क्योंकि हम अपने कपड़ों से साफ़ कर देते हैं और हमारे पास ऐसा नहीं था जो हम इस तरह से इस जो हैंडल्स होते हैं ना उनमें अटैच कर सके, क्योंकि हर एक वो हुक्स पे हम आराम से अटैच कर लेते हैं जो मार्केट से लाते हैं, बट इस टाइप का मुझे नहीं मिला था और मुझे चाहिए था, तो मैंने आराम से घर पर ही DIY कर लिया और बहुत ज़्यादा अभी यूज़ आएगा और देखने में भी ये लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपको इस तरह से मेहनत नहीं करनी है और आपको एक हैंड टॉवल चाहिए तो आप यहाँ पर एक DIY और ट्राई कर सकते हैं। कोई भी टॉवल ले लीजिए, उसके बाद आपको कुछ इस पैटर्न में फोल्ड करना है ताकि ये ट्राइंगल बन जाए। उसके बाद हमें लेना है एक बैंगल और एक पिन। बैंगल को इस तरह से लगा लेंगे उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एंड पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। सो, ये वाला भी हैंड टॉवल काफ़ी यूज़ होता है और इसमें क्योंकि अब एक हैंडल बन गया है तो आप इसको कहीं पर भी ईज़ली लटका सकते हैं और अपना एक हैंड क्लीन करने के लिए बन जाता है। मुझे तो ये भी काफ़ी पसंद आता है, मैं रेगुलर वेज पे इसको भी यूज़ करती हूँ। आप इसको फ्रिज में या कहीं भी सिंक एरिया के पास इसको लटकाइए, ये गिरेगा नहीं बार बार टॉवल और बहुत अच्छे से हैंग भी रहेगा और लुक वाइज भी आपकी किचन को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखेगा। हमारे पास इस तरह का एक कप होल्डर था जिसको हमने लिया था, बट ये मेरा कप के लिए यूज़ नहीं आ रहा है। मैंने इस पे कप लगाए तो कई बार देखा कि ये कप गिर जाते हैं, तो मेरे सेट के 2 कप फूट गए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं इसको यूज़ करना था। इनको कहाँ यूज़ किया जाए, थोड़ा लूज़ है और एक साथ 6 कप इसमें नहीं आते हैं, तो मैंने रैक में ही लिया, साइड में कर दिया है। अब हम इसमें आराम से अपने जो यूज़ के स्पैचुलास वगैरह हैं, कोई भी टूल्स वगैरह हैं, यहाँ पर हैंग करके रख सकते हैं। साइड में अच्छे भी लगेंगे देखने में लुक वाइज, और हमारा जो डेली के लिए हैंडी चाहिए होते टूल्स उनको भी हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। आज के जो आइडियाज़ थे काफ़ी मज़ेदार थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, इजी से थे, बिकॉज मुझे खुद सिलाई करनी नहीं आती है और मैंने कुछ DIYs खुद बना ली है, तो है ना कमाल की। आप लोग जरूर से ट्राई करिएगा अगर आपके पास भी वेस्ट चीज़ें हैं, और आपके पास क्या क्या वेस्ट हैं जिससे आप रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ करना चाहते हैं, आपको उन सब चीज़ों के आइडियाज़ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं ट्राई करूँगी कि आपके जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको भी उसी तरीके से यूज़ करना बता दूँ। तो चलिए, आज के इस वीडियो को एंड कर रहे हैं और अब मिलते हैं आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, जब तक कि आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय टाटा।